अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का हर हर महादेव। हर हर महादेव। कृपा अगर हो जा तो अपने भक्तों पे शिव जी, काल के गाल से लेते बचाए महादेव, देवों के देव हैं दयालु, जो जल्दी हो जा जो अपने भक्तों पे हमेशा रखते बाबा कृपा बना। एक भक्त की सुनो कहानी बहुत पुरानी है समझा, एक भक्त की सुनो कहानी। प्रकट हो गए शिव जी, आए बोले शिव जी हे तपधारी, क्या चाहते हो तुम बतलाओ, बोले मुनिवर पुत्र चाहिए, पुत्र बिना कुछ नहीं सुहाए, बोले शिव जी तुम दोनों को कैसा चाहिए पुत्र बताए, बोले शिव जी तुम दोनों। प्रभु देव समझा, बोले प्रभु सपूत चाहिए या कपूत चाहिए बतलाए, पूछा ऋषि ने बोले बाबा इसका अर्थ देव समझा, बोले प्रभु सपूत आपको देगा सुख ही सुख बतला, और कपूत तुम्हें जीवन भर देगा दुख ही दुख समझा, थोड़ी उम्र होगी सपूत की जिए कपूत बहुत बतलाए। सुन के शिव के वचन ऋषि ने मन में लिया विचार लगा, जीवन भर के दुख से अच्छा थोड़े दिन का सुख मिल जाए, जीवन भर के दुख से अच्छा। जन्मा पुत्र बताए पालन पो...
भी उनको रहा सता। चार साल का हुआ जो बेटा पूछ लिया ज्योतिषी से जा। चार साल का हुआ जो बेटा को जाने ना। झंझट में मत पड़ो रिसीवर बेटे को देना समझा। झंझट में मत पड़ो रिसीवर। गोमती के तट जहाँ रहने लगे वहीं पर वो तो सात पुत्र के कुटी बना। जो भी निकले संत वहां से सबके छूता पैर बता। छूते छूते चरण संत के बेटे के माथे पर हाय। पड़ गए निशान उस बालक के हाथ जुड़े ही रह गए। पुत्र ने तुम्हें बता। तभी पुत्र को उन ऋषियों ने दे दिए आशीष दुआ। रहो चिरंजीवी तुम बेटा जियो हजारों साल बता। बोले पिता तब मुनि मंडल से मुनिवर हमें दियो समझाए। कैसे जिएगा साल हजारों उम्र बची तीन दिन बदला। शिव शंभु ने इसको आयु दे दी पांच वर्ष ही जा। ऐसा सुनकर सप्त ऋषि तो पड़े सोच में करे क्या हाय। बालक अगर मर गया तो फिर अपने बचन जाए झुटला। बालक अगर मर गया तो फिर के सोच बेचारे उन्होंने
चिरंजी भी भव जा। सुन ब्रह्मा के वचन ऋषि सब गए थे मन ही मन हर साय। सुन ब्रह्मा के वचन ऋषि सब क्यों हुए बता। बोले ब्रह्मा हम सब ने भी इसे चिरंजीव कहा बता। बोले ब्रह्मा हम सब ने भी बोले ब्रह्मा हम सब ने भी इसे चिरंजीव कहा बता। लेकिन इस बच्चे की हम झूठे तो प्रभु आप भी जाओगे झूठे कहलाए। अब तो भगवान आप ही जाने होगा अब क्या आगे जाए। बोले शिव जी कौन है बालक इसे कहां से लाए उठाए। बोले ब्रह्मा एकासी के ब्राह्मण का है पुत्र बता। की आयु दे दी आप नहीं समझा। बोले शिव जी इस बच्चे को मेरे पास ही छोड़ो जा। बोले महादेव बच्चे से शिवलिंग को तुम पूजो जा। बोले महादेव बच्चे से जपे ओम नमः शिवाय। शाम को जब यमराज ने आकर मौत का फंदा डालाया लगा खींचने प्राण पुत्र के। बेटा गया बहुत घबरा लिपट गया बेटा शिवलिंग से। बाबा हमको
इसकी उम्र पूरी भई जहाँ इसको मरना पड़ेगा अब तो इसे बचा सकता कोई ना। बोले शिव जी हमें राज से इसे उम्र किसने दी जहाँ। बोले यमराज तुमने ही तो पांच वर्ष दी उम्र बता। बोले शिव जब हमने दी है हमरे हिसाब से होगा न्याय। चार युगों का होता कल्प है यमराज तुमको हम समझा। ब्रह्मा जी अपने जीवन में लेते हैं कई कल्प बिता। ऐसे दस जीवन ब्रह्मा के शिव का एक दिना कहला। ऐसे दस जीवन ब्रह्मा के लेना। अब तुम गणित लगा यही हिसाब रहेगा इसकी आयु का तुमको समझा। बोले यमराज शिव के दिन में प्रभु जो ब्रह्मा दस हो जा तो हम जैसे यमराज तो जाने कितने भाग आप का ही कहला। शिव जी से यमराज हार के लौट गए यमलोक में जाए। बालक अमर हो गया वो तो शिव का भक्त बन गया जाए। यही तो बालक आगे चल कर